मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अलग लिंगायत धर्म के लिए आवाज उठाने पर मुझे मंत्री स्थान से वंचित किया गया था। गृह सचिव MB पाटिल दावणगेरे शहर के सरस्वती इलाके के बसवा महामाने चिंतन सभा में भाग लेते हुए गृह सचिव MB पाटिल ने कहा कि अलग लिंगायत धर्म के लिए संघर्ष करने पर मुझे 6 महीने मंत्री स्थान से वंचित किया गया था। इसके लिए मेरे साथ कोई भी ज्यादती हो तो मुझे परवाह नहीं है। प्रत्येक लिंगायत धर्म के लिए कोशिश करने की आवाज लगाई। अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि मैं अब गृह सचिव स्थान में हूँ, इसलिए इस संघर्ष में भाग नहीं ले सकता, कहा गृह सचिव ने। कुल्हाड़ी लेकर बैंक पहुंचा किसान। राज्य में सूखे के कारण देहातों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक तरफ पानी की किल्लत तो दूसरी तरफ रोजी रोटी का जुगाड़। ऐसे में अगर आपके खाते में जमा हुए रुपये बैंक अधिकारी देने से मना करेंगे तो क्या होगा? ऐसा ही रुपया देने से मना किया गया तो धारवाड़ के अमीन भावी ग्राम के किसान बसप्पा कुल्हाड़ी लेकर यूको बैंक पहुंचे। उनके खाते में सरकार ने फसल बीमा के रुपये जमा किए थे। कई बार निवेदन करने पर भी बैंक अधिकारी इस रकम को देने से इनकार कर रहे थे। फसल का कर्ज अभी बाकी है, जब तक ये कर्ज चुकता नहीं होगा रुपया नहीं दिया जाएगा, कह रहे थे। रुपयों की तंगी के कारण किसान बसप्पा परेशान थे। इसके लिए बसप्पा कुल्हाड़ी लेकर बैंक पहुंचे तो बैंक अधिकारियों ने डर कर रुपया तो दिया, मगर धारवाड़ ग्रामीण पुलिस थाने में किसान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और कुल्हाड़ी वाली वीडियो को वायरल करके अपनी गलती छुपा रहे हैं बैंक अधिकारी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आतंकवाद के खिलाफ बाइक पर सफर। आतंकवाद के खिलाफ जनता में जागृति पैदा करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने की गर्ज से हुबली के दो दोस्त मोहम्मद हुसैन हाजी और सुनील मराठे बाइक पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, UP और दिल्ली करीब 6000 किलोमीटर सफर तय करने के लिए आज शहर के चन्नम्मा चौक से निकले हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद हुसैन ने कहा कि आज आतंकवाद को इस्लाम धर्म से जोड़ा जा रहा है, मगर इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कहा। इसी मकसद से लोगों को समझाने ये सफर कर रहे हैं, कहा मोहम्मद हुसैन ने। बुजुर्ग महिला का कत्ल, महिला सहित 5 आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले बेंगलुरु की हेमावती नामक बुजुर्ग महिला लापता हो गई थी, फिर इनकी लाश नागमंगला के नाले से बरामद हुई। घर वालों ने मड़ीवाल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। इसी मामले से संबंधित 5 आरोपी मधु, प्रसन्ना, तिप्पेश, सुकेश सहित मेरी भाग्य नामक महिला को मड़ीवाल पुलिस थाने के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला का 30 ग्राम सोना उड़ाने के लिए उसको किडनैप करके कार की सीट बेल्ट से गला घोटकर कत्ल करके नाले में फेंका गया था। अधिकारी एक, अहदे 3, बड़ी नाइंसाफी है ये। एक ही अधिकारी को 3 अहदों पर नियुक्त करके सरकार ने जनता को चौंका दिया है। शिवराज पाटिल KSRTC विभाग में जॉइंट कमिश्नर हैं, इलेक्शन नोडल अधिकारी भी हैं, अब इन्हें शिमोगा का RTO भी बनाया गया है। इससे पहले भी ये शिमोगा में RTO के अहदे पर काम कर चुके हैं। उस वक्त RTO ऑफिस में दलालों की एक फौज सक्रिय थी, तो जनता की शिकायत पर इन्हें यहां से ट्रांसफर किया गया था। अब ये फिर शिमोगा में RTO के अहदे पर नियुक्त हुए हैं। इस नियुक्ति के पीछे सियासत के अंधे के हाथ नजर आने की बात कही जा रही है। अब इस अफसर की ऐसी क्या खासियत है ये तो नियुक्त करने वाले ही जाने। 150 किसानों को बैंक नोटिस। एक तरफ CM कुमार स्वामी फसल के लिए लिए गए किसानों के कर्ज की माफी की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बैंक अधिकारी किसानों को फसल का कर्ज सूद सहित भरने के लिए एक ही दिन दो नोटिस भेजकर किसानों को आतंकित कर रहे हैं। क्या सरकार और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है? कल बल्लारी के SBI बैंक ने
सोम सोमंद्रा ग्राम के करीब 150 किसानों को कर्ज भरने का नोटिस दिया है। क्या हकीकत में फसल के लिए लिया गया कर्ज माफ हुआ है या नहीं? अगर माफ हुआ है तो फिर बैंक अधिकारी किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं? इसका जवाब तो सीएम को ही देना होगा। बीबीएमपी अधिकारी का अंदर दरबार। बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका के कंट्रोल रूम सुपरवाइजर सुब्रमण्यम का दरबार है ये। यहाँ ये अधिकारी आराम से बैठे हैं और इन्हें हाथों से पंखा करके हवा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये उड़ते बढ़ते चलते फिरते ऐसे ही सेवा लेते हैं। इनकी सेवा का ये वीडियो वायरल हुआ है। जनता की सेवा करने वाले ही अगर ऐसी सेवा लेते रहेंगे तो जनता गई भाड़ में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।